आज लोग, आज हमारे लोग अगर मूंछ रखते हैं तो इनको आपत्ति है, आज हमारे लोग घोड़ी पे बैठते हैं तो इनको आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? क्योंकि बाबा साहब के संविधान की बदौलत, आरक्षण की बदौलत हमारे लोग थोड़ा थोड़ा साधन संपन्न होने लगे, हमारे लोग इज्जत की जिंदगी जीने लगे, हमारे लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे, तो ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग अच्छे कपड़े पहने, ये लोग चाहते हैं कि फटे पुराने हमारे कपड़े हों और पहली की तरह हम इनके गुलाम हो। और गुलामी में भी इन्होंने देखो कितना बड़ा अत्याचार किया है, गुलामी में भी जैसे इनके प्रोडक्ट हैं, जियो है, रिलायंस है, इस तरह से हमारे भी नाम निकल रखे हैं कि नाई का काम करेगा नाई कहलाएगा, खाती का काम करेगा खाती कहलाएगा, मोची का काम करेगा चार कहलाएगा, सफाई का काम करेगा बाल्मीकि कहलाएगा, इसलिए हमारे ऊपर लोहे का काम करेगा लोहार कहलाएगा, तो इसलिए हमारे ऊपर ठप्पे लगाने। अरे भाई मैं पूछता हूँ, जब जूते का काम चमार करता था तो कार्य के अनुसार उसको चमार बोलते थे, लेकिन आज ब्राह्मण के लड़के ने जूते की दुकान कर रखी है तो जूते की दुकान पर बड़े ऐशोआराम से, बड़े शौक से लिखा हुआ है शर्मा बूट हाउस, कौशिक बूट हाउस। क्यों भाई? साले तू भी लिखना चमार बूट हाउस। तो इसलिए साथियों, इन लोगों की सोची समझी साजिश है, ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े। संविधान की हमें रक्षा करनी होगी, और संविधान की रक्षा तब हो सकती है जब हम अपना सरकार बनाएंगे, और सरकार तब बनेगी जब इस देश से ईवीएम खत्म होगी। जब तक ये ईवीएम चलती रहेगी इसी तरह से इन लोगों का राज बनता रहेगा। साथियों हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई ईवीएम की भी लड़नी होगी। देखिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथों में चला गया तो संविधान अच्छा है, संविधान अगर बुरे लोगों के हाथों में चला गया तो संविधान बुरा है। मूंछ तो एक बहुत छोटी लड़ाई है, मूंछ तो एक बहुत छोटी लड़ाई। ये लोग तो आज जो पहले हम लोग गुलाम थे मनुस्मृति के तहत, इन लोगों का मेन एजेंडा 2025 का, आरएसएस का गठन हुआ 1925 में, और 2025 का इनका लक्ष्य है दोबारा से आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहती है। संविधान तड़फ रहा है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो समाज के लोग संसद में जा बैठे हैं, विधानसभा में जा बैठे हैं, वो लोग सिर्फ अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लोग सेक्टर में कोठियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा में बैठ के अच्छी पेंशन पाने का काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह पाने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के साथ आज बहुत गलत हो रहा है। ये मनुस्मृति दोबारा से लागू हो जाएगी, और जैसे लागू होगी तो मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है पशु ढोल गवार सुदर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे मूछों की तो बात क्या है, नारी तो इन लोगों की भी थी, स्वर्ण काश के लोगों की भी थी, लेकिन नारी को भी ये लोग इज्जत से नहीं जीने देना चाहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दलित समाज का समय आएगा, बहुजन समाज पार्टी का समय आएगा, जिस दिन लोगों का जमीर जागेगा हमारा समाज, हमारा समय आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि 21वीं सदी हमारी है। तो साथियों अभी तो 21वीं सदी के 22 साल गए भाई, अभी तो 78 साल बाकी है, चिंता मत करो। आज सबसे बड़ा जो खतरा हमारे लोगों को है, सबसे बड़ा खतरा है मंदिरों से। जब तक हम मंदिरों में जाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक मंदिरों में चढ़ावा चढ़ावा नहीं छोड़ेंगे, जब तक मंदिरों से हम कट करके स्कूलों की तरफ नहीं जाएंगे। एक नया गाना मेरा आया है, अभी उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। जैसे एक गाना मेरा चल रहा है, कोई शंकर कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का, मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैनू कांसी राम का, तो वो गाना आप लोग सुनते हो, तो उसका दूसरा भाग एक गाना मैं अभी कर रहा हूँ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था जब तुम सुबह उठोगे तो आपको दो घंटी सुनाई देंगी, एक घंटी मंदिर की बजेगी, एक घंटी विद्यालय की बजेगी। अगर तुम मंदिर की तरफ जाओगे तो बुद्धिहीन बनोगे, बेवकूफ कहलाओगे, अगर तुम विद्यालय की तरफ जाओगे तो बुद्धिमान बनोगे, ऑफिसर बनोगे। तो उसको लेकर के वो सॉन्ग है मेरा, एक मंदिर का घंटा बजता घंटी बजे स्कूल की, मंदिर में बेवकूफ बने और विद्यालय विद्वान, और मर्जी आपकी है भाई तुम्हें कौन से रास्ते जाना है। देखिए ऐसा है, आज जो सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार, साथियों मैं बड़ी गहराई की बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिनका राज नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिनका राज नहीं होता उन पे अत्याचार होते हैं, हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं उन्हीं पे अत्याचार होने का काम होता है। अब ये लोग कहते हैं कांग्रेस गरीबों की हितैषी है, आम आदमी पार्टी गरीबों की हितैषी है। अरे साथियों सोचना होगा, कांग्रेस पार्टी की उपज है, कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्ट कौन? आरएसएस। आरएसएस कहाँ से पैदा हुई? कांग्रेस से। और आरएसएस से कौन पैदा हुआ? बीजेपी। और बीजेपी से आज बीजेपी का प्रोडक्ट कौन है? आम आदमी पार्टी। लेकिन लोग इनकी चालाकी को समझ नहीं पाते हैं, जहाँ बीजेपी का राज होता है वहाँ हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं,
जहाँ कांग्रेस का राज होता है वहाँ हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी राज्य में भागीदारी नहीं है, हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं है। जब हमारी सत्ता में भागीदारी होगी तो साथियों अत्याचार ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। जिनके राज होते हैं, राजाओं के आदेश का पालन होता है, और राजा अगर निकम्मा होता है तो प्रजा परेशान होती है, अगर राजा सही होता है तो प्रजा सुखी रहती है। जी, आप करेंगे राज नहीं है दलितों का, इसलिए उन पर अत्याचार हो रहे हैं जी। लेकिन 131 दलित सांसद तो है केंद्र में। वो सांसद, उनको हमारे सांसद नहीं कह सकते, वो दलित हितेशी नहीं हो सकते, वो मजदूरी करने का काम करते। जैसे गांव के अंदर जमींदार के यहाँ मजदूर काम करता है, यस सर की नौकरी करता है। जैसे प्राइवेट नौकरियाँ चल रही हैं, प्राइवेट नौकरी में अगर नौकरी करने वाला कोई आदमी है, जब तक वो यस सर करेगा, जब तक यसमैन रहेगा, तब तक उसको वो रखे रहेंगे। जब वो नहीं करेगा तो यसमैनी खत्म हो जाएगी। मंजीत जी, लोग कहते हैं आजकल कि देश में जातिवाद खत्म हो गया है, समानता आ गई, आरक्षण खत्म किया जाए। क्यों अरे यार कहाँ खत्म हुआ है? जब भी कोई गांव में आता है, शहर में आता है, सबसे पहले ये पूछता भाई किसके घर जाना है। अब किसके घर जाना है तो सबसे पहले ये कहता है चमार के घर जाना है। भाई चमारों में कौन? चमारों में मंजीत बेहरा। तो इसलिए हमारे साथियों पहले जाति का नाम लिया जाता है, ना कि इंसान का नाम लिया जाता है। तो जातियां कहाँ खत्म होगी? और जातियां जब खत्म नहीं हुई तो आरक्षण तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी आरक्षण चलता रहेगा। तो आरक्षण की तो हमें बहुत ज़रूरत है। सर ये वो लोग कहने के दलित हैं, वो लोग कहने के लिए बैकवर्ड हैं, कहने के लिए ओबीसी हैं, वो लोग कहने के लिए माइनॉरिटी के लोग हैं। असल मायने में उनके रक्त, उनका जो रक्त है उन्हीं लोगों का है। कहीं ना कहीं उनकी माताओं ने उनके साथ जाकर के वो चीज़ की है, क्योंकि अगर उनके अंदर हमारा ब्लड होता, हमारा खून होता, तो हमारे लोगों का दर्द क्या उनको नहीं दिखाई देता? अरे दर्द किसी को दिखाई देता है तो साथियों बुरा मत मानना, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मंडल आयोग के अंदर, जब हिंदू कोड बिल में, जब बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं की बात वो लोग नहीं मान रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपति साथियों कानून मंत्री के पद से ठोकर मारने का काम किया, और यही काम बहन कुमारी मायावती ने किया। जब दलितों की आवाज़ साथियों सहारनपुर की बहन जी उठा रही थी, लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाह रहे थे, तो बहन जी ने राज्यसभा मेंबर के पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज चंद चालाक लोग बहन जी को बदनाम करते हैं। आज चंद चालाक लोग साथियों वो कहते हैं हम तुम्हारे नेता हैं, बैकवर्ड के नेता हैं, हम शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, हम शेड्यूल ट्राइब के नेता हैं, लेकिन वास्तव में अगर वो नेतागिरी तो हमारे ऊपर करते हैं। बाबा साहब का फोटो तो लगाते हैं, ज्योतिबा फूले का फोटो तो लगाते हैं, वोटों को लेने के लिए हमारे समाज का अपना बनकर के तो आ जाते हैं, लेकिन साथियों जो बनकर के असेंबली में बैठते हैं तो वो लोग उन्हीं लोगों की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि अगर हमारी आवाज़ उठाएंगे तो उनसे वो पद भी छीन लिया जाएगा, उनसे वो सुविधाएँ भी छीन ली जाएंगी, और उनको कहीं ना कहीं साथियों अंडरग्राउंड उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग किया जाता है, इसलिए वो लोग हमारी आवाज उठाने का काम नहीं करते। अरे भाई हाथी जो है ना, हाथी बैठा हुआ भी गधे से ऊंचा होता है, हाथी कभी कमजोर नहीं होता। जिस दिन बहुजन, ये हाथी का चुनाव चिन्ह क्या है? बाबा साहब अंबेडकर का चुनाव चिन्ह हाथी था, इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने हाथी को चुना, क्योंकि ये बहुजन जो समाज है, ये SC/BC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये बहुत बड़ा बहुजन समाज है, हाथी की तरह विशाल है। जिस दिन इसको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, सत्ता एक तरफा होगी, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस का पतन होगा, और पतन का कारण बहुजन समाज पार्टी होगी, हम लोग हुए। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के कारण कांग्रेस का पतन होगा, फिर BJP का उदय होगा, और BJP का उदय चरम सीमा पर होगा। इस देश के अंदर हर राज्य के अंदर मंत्री और विधायक उनके बनने शुरू हो जाएंगे। 2016 में मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को सूट मत करो, चाहे मुझे सूट कर दो। जब उन्नाव में कांड हुआ था, दलितों को गाड़ी से बांधकर पीटा गया था, उसके बाद में भी ये घटनाएं नहीं रुक रही है देश में। बड़े शर्म की बात है, इस देश का जो प्रधानमंत्री इतना निकम्मा और अनपढ़ गवार व्यक्ति है, अरे जिसके हाथ में पावर होती है, जो देश का राजा होता है, वो कहेगा मुझे गोली मार दो, अरे वो सीधा ऑर्डर क्यों ना करेगा? वो कहेगा जाओ जो दलितों पे अत्याचार करते हैं उनको सारे को सूट एंड साइड ऑर्डर कर दे। कहाँ का प्रधानमंत्री है ये? ये तो नालायक प्रधानमंत्री है, इसको ज्ञान ही नहीं है, इसकी पावर का अंदाजा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है। कहता है मुझे गोली मार दो, अरे नालायक व्यक्ति तुम्हारे पास पावर है, तुम सीधा ऑर्डर करो, जो गोली मारने वाले लोग हैं उन्हीं को शूट करा दे भाई, अगर तेरे में दम है तो। नहीं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये केवल दिखावा करने का काम करता है साथियों, इसलिए ये बड़ा निकम्मा प्रधानमंत्री है। जी सर, आप जो है लोक कलाकार हैं, लोक गीत आप गाते हैं, दलितों के मिशन के गीत गाते हैं जी, क्या लग रहा है देश में, क्या वाकई में दलितों को आज़ादी मिल गई है 70 साल के बाद भी? देखिए हमारा काम है लोगों को जगाना, हमारा काम है बाबा साहब अम्बेडकर
अगर सुख सुविधाओं की तरफ चले जाते, क्या ये समाज यहाँ होता? क्या देश के अंदर संविधान होता? मानवर कांशीराम साहब अगर नौकरी नहीं छोड़ते और इस देश में गांव गांव गली गली हजारों किलोमीटर साइकिल नहीं चलाते, क्या देश जागरूक होता? आज कांग्रेस में हमारे नेताओं को अगर सम्मान मिला है, आज बीजेपी में हमारे नेताओं को सम्मान मिला है, आज भिन्न भिन्न दल बनाए हमारे लोग फिरते हैं, तो ये भिन्न भिन्न दल बनाए फिरते हैं या गाड़ियों में घूमते हैं, ये कहीं ना कहीं सारा श्रेय मानवर कांशीराम साहब को जाता है। हमने मानवर कांशीराम साहब को पढ़ा है। साथियों, हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं हैं। मेरा जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक मंजीत मेहरा के सांस में सांस रहेगी, हम लोग इसी तरह से बहुजन समाज की, साथियों ओबीसी की, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक इस देश के ऊपर सत्ता काबिज नहीं होंगे। असल तो मैं जीते जी राज देख करके जाऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर से दुआ है, तथागत बुद्ध से दुआ है कि बहुजनों का इस देश में राज होगा, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर मैं नहीं जिंदा रहा तो साथियों इसको अपने बच्चों को देके जाएंगे, बच्चे ही आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा जी आपसे आगे सवाल है, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, बारात नहीं निकालने देते हैं, मूछ नहीं रखने देते हैं, आखिर ये ऐसे अत्याचार कब खत्म होंगे हमारे देश में लोगों से? ये अत्याचार तभी खत्म होंगे जब हमारा अपना राज होगा, जब हमारे अपने ऑफिसर होंगे, जब हमारा अपना राज होगा, हमारे अपने कमांडर होंगे, हमारा सब कुछ अपना होगा, तो दलितों पर अत्याचार नहीं होगा, ऑटोमेटिकली है। लेकिन जब तक हमारा अपना राज नहीं होगा, उनकी छोटी मानसिकता के वो लोग हैं, वो लोग नहीं, जिन्होंने हजारों साल से हमारे ऊपर राज किया है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। बड़े शर्म की बात है, हम लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ पाते। हम लोग रामायण तो पढ़ते हैं, हम लोग महाभारत तो पढ़ते हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तकें नहीं पढ़ते, हम लोग मानवर कांशीराम साहब की लिखी हुई पुस्तकें नहीं पढ़ते, हम लोग तथागत बुद्ध भगवान का ज्ञान नहीं लेते। हमें वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, हमें वो ज्ञान लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश में हमारा राज होता था, राजा बलि हमारा था, राजा रावण हमारा था, राजा वृद्रथ हमारा था। इन लोगों ने हमारे दसों राजाओं का कत्ल करने का काम किया। अगर मैं बहुत लंबी बात आपको बताना चाहूँ तो बहुत समय लग जाता है। मेरे जो प्रोग्राम चलते हैं यूट्यूब पे, लाइव प्रोग्राम जो चलते हैं, उनको साथी सुनने का काम करें, क्योंकि इस देश के हम लोग मूल निवासी हैं। SC BC SC OBC के लोग, हम लोगों को गुलाम बनाया गया और गुलाम भी भ्रम में भटका करके।